वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस स्वामी को और वीडियो आपके लिए लेके हैं जो कि 25 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं पहला है ओ एन जी सी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब ओ एन जी सी लिमिटेड रिसिव्ड अप्रूवल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू स्टैब्लिश अ सब्सिडरी फोकस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस नेम्ड ओ एन जी सी ग्रीन लिमिटेड ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और इसे स्टैब्लिश सब्सिडरी फोकस करके ग्रीन एनर्जी एंड गैस बिजनेस नेम्ब ओ एन जी सी ग्रीन लिमिटेड पर बनाया गया है मतलब तो मिल के बना रहे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ ओ एन जी सी नाइन्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड इन फरीदाबाद हरियाणा दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इंडिया अचीवमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी तो नाइन्थ इंटरनेशनल सा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इंडिया का चालू हुआ था जो तो कि कहाँ हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में जो तो कि बहुत ही अच्छा इवेंट है कभी भी अगर आपके शहर में हो रहा हो या आपके पास मौका हो तो प्लीज जाके जरूर देखिए बहुत अच्छी चीजें पता चलेगी इंडिया ए सी एम ई एंड जापान आई एच आई कारपोरेशन एग्रीमेंट दे साइंड अ टर्म शीट एग्रीमेंट टू सप्लाई ज़ीरो पॉइंट फोर मिलियन मेट्रिक टन परम ऑफ ग्रीन अमोनिया फ्रॉम उड़ीसा टू जापान तो जापान को ग्रीन अमोनिया दिया जाएगा उड़ीसा से निकाल के इंडिया के ए में और जापान के आई एच आई में एग्रीमेंट हुआ है इसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं और बहुत अच्छी बात है कि जापान जैसे देश के हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ इंटरनेशनल एंड फोर्टी फोर्थ ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस तो पाँचवा इंटरनेशनल और फोर्टी फोर्थ ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ कौन इनोग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और ये हुआ कहां था नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर गुजरात ठीक है तो अब ध्यान रखिएगा नेशनल फॉरेंसिक कहां गांधीनगर गुजरात में और ये जो क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी गुजरात में वहीं पर हुआ था ब्लैक ब्लैक टाइगर सफारी इन ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस द देशमेंट ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी या सिम्बली पाल टाइगर रिजर्व इन मयूरभंज तो ये दो तीन चीज हो गया ब्लैक टाइगर सफारी पहला स्टार्ट हो रहा है ठीक है वर्ल्ड फर्स्ट का फिर ये सिंपीपाल टाइगर रिजर्व वो भी कहाँ है उड़ीसा में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा भी मयूरभंज मयूरभंज भी कहाँ पे उड़ीसा में जॉइंट एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस एंड यू कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज ओवर अरेबियन सी टू तो इन्हेंस सनर्जी एंड इंट्रो पैरेबिलिटी एमोंग देअर एयर फोर्सेस तो बेसिकली आपका डिजर्ट नाइट किनके किनके बीच में वो इंडिया फ्रांस और यू के बीच में इंडिया नेवी सेकेंड वी एल एफ कम्युनिकेशन स्टेशन इंडिया नेवी का सेकेंड वी एल एफ स्टेशन बना है कहाँ बना बना बन रहा है प्लान इन तमिल तेलंगाना दिस स्टेशन इसेंशली फॉर मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद सिप्स एंड सबमरीन तो तेलंगाना में ये बन रहा है जो मिल क्या काम होगा सिप्स और सबमरीन के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए डायरेक्ट टैक्स टू जी डी पी रेशियो एकॉर्डिंग टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सी बी डी टी द रेशियो रिस्ट ट्वेंटी ईयर हाई एट सिक्स पॉइंट वन वन परसेंट इन द फिज़िकल ईयर 2020-23 मतलब टैक्स रिटर्न अच्छा हो रहा है बट इसमें कुछ दिक्कतें है ये हैं कि जिनके हाई इनकम्स हैं उनसे इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है कि जो बहुत सारे लोग इसके अंदर निकल जाते हैं तो इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आप टैक्स रेट घटाएँ और घटा के कोशिश करें कि कोई भी बच ना पाए क्योंकि जो हाई इनकम कर रहे हैं वो ज़्यादा देने के लिए बाध्य हो जाए तो इसी के लिए फिर चोरी स्टार्ट होती है वो भी गलत है पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी का इनकम अगर काफ़ी है उसका जो टैक्स थर्टी फोर्टी परसेंट बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली आपको नौ तीन महीने का सैलरी पूरा खत्म हो जाता है अगर सैलरी का सोचेंगे या बिज़नेस करेंगे तो भी नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बोथ ऑब्जर्व ऑन जनवरी ट्वेंटी फाइव वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है पच्चीस जनवरी को भोपाल क्लीनेस्ट अचीवमेंट भोपाल इमर्ज एट द फिफ्थ क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया एमोंग दो विद द पॉपुलेशन एक्सीडिंग वन लाख तो सबसे ऐसे भी बहुत ही अच्छा हर बार निकल के सामने आ रहा है साफ 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 में होने में ठीक है जस्टिस प्रसन्ना बी बराले सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ही बिकेम द थर्ड सिटिंग जज फ्रॉम दलित कम्युनिटी द सुप्रीम कोर्ट तो प्रसन्ना वी बराले नए सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और ये दलित समाज से हैं ये तीसरे सेटिंग जज है दलित के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विध मेजाउन डॉक दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एक्वायरिंग फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड तो कोस्ट गार्ड के लिए चौदह नए बोट या वेसल जिसको बोलते हैं वो लिया जाएगा मैं पेट्रोलिंग करने के लिए mm -hmm. रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर अवार्ड mm -hmm. बोथ रिशिफ्ट कोल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो उनको ये अवार्ड मिला प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो पहले ही पढ़े थे हमने कि हर घर पे वो रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं सो so, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम मिलेंगे आपको करंट अफेयर ये पूरे प्रिपेयर है तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा के आ पाएंगे सो so, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स